नमस्कार, मैं बीना सानी आज भी उपस्थित हूँ, लेकिन आज भी मैं कुछ बोलने के लिए आई हूँ, क्योंकि जो भी मैं बोल रही हूँ प्लीज़ इसको ज़रूर सुनिएगा। 1-3 मिनट जरूर मेरी बात को प्लीज़ सुनिएगा और मुझे बताइए कि क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। कल मैं वीडियो वॉच कर रही थी और मैंने देखा, मैं काफ़ी देर से वीडियो, मैंने सोचा बहुत लोगों के कमेंट्स आ रखे हैं, चलो वीडियो वॉच कर लेती हूँ। जैसे मेरा रूटीन है, मैं वीडियो वॉच करती हूँ और उस पर देखा मैंने कि मेरा ध्यान गया कि मेरे 40 व्यूज़ हैं, मेरे पास तो 65 कमेंट्स आ रखे हैं। ये 65 कमेंट्स कैसे आ गए जब 40 व्यूज़ हैं? बहुत हैरानगी हुई मुझे और मेरा मन बहुत ख़राब है। फिर दोबारा मैंने चेक करा, एक बार मैंने देखा 40 व्यूज़ हैं, 65 कमेंट्स, क्या चक्कर है ये? मैंने बोला अरे इसमें तो कुछ वो बोले कमेंट्स हैं जिन्होंने वीडियो को वॉच ही नहीं करा और पेस्ट कर दिया अपना कमेंट। आपने कभी सोचा कि आपका पेस्ट किया हुआ कमेंट ना हमें व्यूज़ देता है ना वॉच देता है? कमेंट्स का कभी वॉच आता है क्या? आप लोग चैनल बना रहे हैं, आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो मैं आज देती हूँ ना आपको इस चीज़ की नॉलेज कि आपका जो विदाउट वॉचिंग कमेंट डाला हुआ है ना, पेस्ट किया हुआ, उसका ना हमें व्यूज़ मिलता है, कमेंट्स का कभी व्यूज़ नहीं मिलता, इससे इंप्रेशन डाउन होता है। आप 40 व्यूज़ देख के उसके 65 कमेंट्स आ जाए तो आप तो खुद ही सोचेंगी ना मैंने क्या करा, मेरा मूड ऑफ हो गया, मैंने अपना फ़ोन साइड पर रख दिया और कुछ नहीं सोचा। मैंने सोचा यार लोग ऐसा कर रहे हैं, इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई थी मैंने और वो लोग भी बनाते हैं, हम पहले ही लिख देते हैं कि मेरी वीडियो पे वही लोग आए जो 2-3 मिनट्स का टाइम दे सके। मैं भी यही बोलती हूँ, 1-3 मिनट्स का टाइम अगर आप दे सकते हैं और विदाउट वॉचिंग आप कमेंट लिख रहे हो तो कहाँ से उसका हमें व्यूज़ मिलेगा यार? चाहे मेरा चैनल है, चाहे मेरी वीडियो, चाहे किसी की भी वीडियो है, प्लीज़ जब भी उस वीडियो पे जाए या तो आप 1 मिनट देखें या 2 मिनट देखें या 3 मिनट देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इतने मिनट्स आप देख लें, सपोर्ट कर लें, विदाउट वॉचिंग पेस्ट कर देना और उस पर कमेंट डाल लेना। आपका कमेंट का व्यूज़ थोड़ी ना आता है, हमें सारा इंप्रेशन डाउन हो जाता है उसका, इतना इंप्रेशन डाउन होता है कि यूट्यूब आगे उस वीडियो को भेजता ही नहीं है। अगर इसी तरह से रहा तो कैसे चैनल ग्रो होगा, कैसे हम लोगों का आपका सपोर्ट मिलेगा? और जो लोग के पास टाइम नहीं है और वो लोग नहीं टाइम दे पा रहे, बहुत बिजी और मेरे फ्रेंड्स हैं, तो प्लीज़ कोई बात नहीं, आप वीडियो को नहीं वॉच कर सकते मत करें, आराम से रहें। और लेकिन कमेंट्स डाल देने से ये मत दिखाएं कि आप हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें जाना पड़ता है आप लोगों की वीडियो पे वॉच करने के लिए, बहुत हैरानगी होती है, बहुत लोगों की कंप्लेन होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कल बहुत हर्ट हुई हूँ मैं इन चीज़ों को देखकर, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ हुई कि यार हम लोग होनेस्टली वर्क कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो पे कुकिंग चैनल हो चाहे कोई भी चैनल हो, आता सबको है, सबको पता है, सबको आता है, लेकिन हम वॉच तो करेंगे ना, वॉच तो करेंगे नहीं? बहुत सारे चैनल, बहुत सारी वीडियोज ऐसी आती है जिसके बारे में मुझे नॉलेज होती है, मुझे आता है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो तो वॉच करूँगी 2-3 मिनट्स। जो वीडियो बड़ी है 4-5 मिनट की, 2-3 मिनट्स करें, 2 मिनट करें, 1 मिनट करें, जितना टाइम उतना करें, लेकिन विदाउट कमेंट्स किसी की भी वीडियो यार मत डालो, इंप्रेशन डाउन मत करो किसी की भी वीडियो का। जब इंप्रेशन डाउन होता है हमें तकलीफ होती है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना वो करते हैं, आगे इतना काम है, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, इतनी मेहनत से वीडियो के लिए रेडी होना पड़ता है, वीडियो बनानी होती है, और उस पर आप अगर विदाउट वॉचिंग कमेंट डाल देंगे तो भाई अगर 15 लोगों ने विदाउट वॉचिंग कमेंट डाले, 1-2 चल जाता है, 3-4 भी चल जाते हैं, 15-15, 20-20 लोगों का विदाउट वॉचिंग कमेंट आएगा तो कैसे इंप्रेशन ठीक होगा? सपोर्ट करें, ईमानदारी से करें और ये इस पर वर्क अच्छे से करें ताकि दूसरों को सपोर्ट करें। और जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता है और वो मेरे फ्रेंड्स हैं, वीडियो पे आना चाहते हैं और उस पर कमेंट डालना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हमने बिना सानी की वीडियो वॉच करी है और बिना टाइम के, बिना उसके, विदाउट वॉचिंग प्लीज़ वीडियो को वॉच मत करें। और नहीं है टाइम कोई बात नहीं, आप वीडियो पर मत आइए, नहीं है टाइम कोई बात नहीं, वीडियो में मत आइए, लेकिन वीडियो किसी की भी हो, मेरी हो चाहे किसी की भी हो, उस पर जब जाते हैं तो वीडियो को 1-3 मिनट्स वॉच करके कमेंट डालें। जब आप विदाउट वॉचिंग 15-20 कमेंट आते हैं तो उस पर क्या होता है, इंप्रेशन डाउन हो जाता है, यूट्यूब भी इस वीडियो को ज़्यादा शो नहीं करता, दिखाता नहीं है। आप मेरा वीडियो चेक कीजिएगा, आपको उसमें व्यूज़ कम मिलेंगे, कमेंट्स बहुत सारे मिलेंगे, चेक कीजिएगा। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, तो कल से मैंने वीडियो भी लोगों की वॉच नहीं की, थोड़ा मूड ऑफ हो गया था, कुछ की करी कुछ की नहीं, क्योंकि मैं तो अपना फ्री टाइम पे चाहे मैं 2 मिनट देखूँ, चाहे मैं 3 मिनट देखूँ, चाहे मैं फुल वॉच करूँ, मैं फ्री टाइम पे देख लेती हूँ। जब मैं देखती हूँ तो उस पर कुछ देखती हूँ, और ताकि कुछ देखती हूँ तभी तो लिखूँगी, और अगर मैंने पेस्ट करती रहूँगी सबकी वीडियो पे तो एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा कि बीना जी जो ऐसे कर रही हैं, पता चल जाता है भैया, विदाउट वॉचिंग वालों के बारे में भी पता, जो सपोर्ट करते हैं, जो वॉच करें उनके बारे में भी पता चल जाता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है
वीडियो किसी की भी हो प्लीज़ वॉच करके ही कमेंट डालें, विदाउट वॉचिंग पेस्ट मत करें कमेंट का, और उससे क्या इंप्रेशन डाउन होते हैं, इंप्रेशन डाउन मत कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ऑनेस्टली वर्क कीजिएगा। मिलूंगी फिर एक नए ब्लॉग के साथ और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मुझे कुछ कहना था सो मैं कहती हूँ।